इधर इंदौर में बड़नगर के पास खड़ौतिया गांव का रहने वाला 12 साल का अरुण जन्म से बिना नाक की जिंदगी जी रहा था। किसी के सामने आते ही वो चेहरा फेर लेता था, लेकिन इंदौर के एक डॉक्टर ने अरुण के चेहरे पर कृत्रिम नाक लगाकर उसे नई जिंदगी दी है। देखिए ये रिपोर्ट। आज तक आपने देश में किडनी, लीवर और दिल के ट्रांसप्लांट करने की खबरें बहुत सुनी होंगी, लेकिन आपने नाक या कान के ट्रांसप्लांटेशन के बारे में शायद ही कभी सुना होगा। लेकिन एमपी के इंदौर में एक डॉक्टर ने ये कारनामा कर दिखाया है। इंदौर के रहने वाले डॉक्टर अश्विनी दास ने उज्जैन के रहने वाले एक 12 साल के अरुण पर ये सफल प्रयोग किया है। दरअसल महज 3 महीने की उम्र में एक गलत इंजेक्शन लगाने से अरुण को इन्फेक्शन हो गया था। अरुण के शरीर पर ये इन्फेक्शन इस कदर फैल गया जिससे उसकी मांसपेशियां गलने लगी और इसी वजह से उसकी नाक भी पूरी तरह से गलकर खत्म हो गई। लेकिन जब अरुण के परिजनों ने इंदौर के डॉक्टर अश्विनी दास से संपर्क किया तो अश्विनी ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। मसल्स जहां भी हैं वो सब काले पड़ने लग गए। उन्होंने रात को ही वहां से चोईतराम में शिफ्ट रेफर कर दिया था और फिर उन्हें डॉक्टर शेखर जैन ने इसका इलाज किया। कितना खर्चा, कितना समय लगा इस बच्चे को सही होने? इसको वहां करीब 1.5 महीने तो वहां हॉस्पिटल में रहा था ये, और करीब साल भर में जाके इसके ये सारे घाव वगैरह भरे थे। इस पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया गया। इस दौरान अरुण की छाती के निचले हिस्से से कार्टिलेज निकाली गई जिससे उसके चेहरे की संरचना के मुताबिक एक कृत्रिम नाक तैयार की गई। इसे माथे पर बनाई गई जगह पर रख दिया गया। 3 महीने तक नाक को माथे के अंदर से रखा गया जिससे वह शरीर के अन्य अंगों की तरह काम करने लगे। गलत इंजेक्शन लगने से 3 महीने की उम्र में नाक गल गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बच्ची के सिर पर दोबारा नाक उगाकर उसे सही जगह प्रत्यारोपित कर दिया। पूरा का पूरी नाक सर पे बना देना और उसको ट्रांसफर कर देना, ये अपने आप में एक बहुत ही नवीन प्रयोग है और जो लेटेस्ट पद्धति है उसके हिसाब से मैंने ये चीज की। जब मैंने पहली बार इसको इंटरनेशनल मीडिया पे पढ़ा था, प्रिंट मीडिया पे, कि चाइना में किसी के फोरहेड पे नाक बनाई है फिर ट्रांसफर किया है, मैं उससे काफी प्रभावित हुआ। इस काम को पूरा करने में डॉक्टर्स को लगभग 1 साल का वक्त लगा। वाकई ये पूरा घटनाक्रम किसी चमत्कार से कम नहीं है। इससे पहले नाक के ट्रांसप्लांटेशन का कारनामा विदेशों में ही देखने और सुनने को मिला था, लेकिन अब ये सपना अपने ही देश में साकार हो गया है। 12 साल का अरुण इसका जीता जागता उदाहरण है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।